तो आज आए हम आरपीओ गोलंबर के पास। यहाँ पे एक दुकान है, बहुत ही फेमस लिट्टी चोखा बनाते हैं। चलिए टेस्ट करते हैं। लिट्टी चोखा फ्राई मिलता है 40 रुपये प्लेट। दुकान तो हो गया 50-60 साल से चल रहा है, 2 रुपये के 5 वर्ष से चल रहा है लिट्टी, 5 वर्ष अभी चल रहा है, 40 रुपये के 5 वर्ष। धीरे धीरे रेट बढ़ते गया। हाँ, मगर शुरू से दुकान है, लोकल ग्राहकी हम लोग खिलाते हैं, सेवा करते हैं, भोरे से लगे रहते हैं। हाँ, ये टमाटर है, बैगन है, आलू है, आलू है, लिट्टी लिट्टी चोखा फ्राई, आलू चोखा फ्राई, भंडा है, कहाँ है, दे आइए देखिए, ये देखिए, ये है एक चोखा बनता है काट के, चोखा तैयार है, ये दे हेलो चोखा तैयार है, देखिए हेलो चोखा तैयार है, अभी चोखा जाएगा उधर चूल्हा पर चढ़ेगा। हाँ, चूल्हा पर चढ़ेगा, इसमें नमक डलाएगा, हल्दी डलाएगा, तैयार हो गया, फ्राई हो गया। इधर माने कोरोना से थोड़ा सा भीड़ भाड़ हम लोग ज्यादा ला दिए हैं सेवा में, कोरोना से भीड़ भाड़ जेने तेने से आदमी भटक के आ गया, भीड़ भाड़ बढ़ गया तो हम लोग और ज्यादा खर्चे लगे। हाँ, दुकान चले लगा चल रहा है। हाँ हाँ हाँ, हाँ। बस चल गया ना, जैसे गहकी लोग खाना के लिए ढूंढते गया तो हम लोग दुकान खोल कर रहे हैं, समय से बंद किए खोले, सेवा किए। हाँ, पढ़ाएगा लिट्टी के लिए, आ गई जाली पर जाएगा, लिट्टी से खाएगा, देख लीजिए। हाँ, जाली पर जाते हैं, टाइट होगा, इकलेगा, फ्राई होगा। हाँ, सत्तू में डालते हैं। हेलो, देखिए हो गया। हाँ, दिन 12 बजे रात के दुकानदारी और जम गया, अब फ्राई करके खिलाते हैं हम लोग। भैया मार दला 120 ठीक है, कढ़ाई चल गया ठीक है, ये रिफाइन है जी। हाँ भैया देखिए, आज के लिए आपका लिट्टी चोखा, हाँ फ्राई लिट्टी हो रहा है, बस 10-5 मिनट लगेगा कि यही है ये। हाँ, सत्तू डला गया, हम है देख लीजिए। हाँ, फिर सब तो आपको गाड़ी वाला अंदर ये आइए, काम क्लियर हो गया। हटाइए, 40 रुपये प्लेट मिलता है। हाँ, सलाद वाला सब प्लेट लगा हुआ है, पैकिंग होता है, इसमें एक प्लेट में 5 रुपये देते हैं, 40 रुपये लेते हैं। प्याज लेमू मिर्चा, हाँ ये सब चीज मिलता है। चोखा अनलिमिटेड है। हाँ, चोखा अनलिमिटेड है, फ्राई करके मिलेगा। यहाँ लोग 3-4 साल से आ रहे हैं कंटिन्यू रेगुलर। यहाँ का खासियत है लिट्टी जो सत्तू के साथ जो फ्राई करते हैं ना, वो बहुत इसका अच्छा रहता है। हमको लगता है 5-6 साल से हम खा रहे हैं, तो जो साइज छोटा है ना और कड़ा साइज नहीं है, नॉर्मल है ठीक है, अब भूजा हुआ है तो इसका स्वाद थोड़ा बढ़ जाता है, खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत पुराना दुकान है, कम से कम 30 वर्ष से, 20-25 से तो कम नहीं हो रहा।